हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद तीमन। IDEED सब स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ 19 जुलाई से, और एप्लीकेशन की डेट जो है वो 20 अगस्त तक रहने वाली है। यहाँ पर योग्यता जो है वो 12th और एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है यहाँ 20,000 तक रहेगी, परमानेंट पोस्ट है और सैलरी भी आप लोगों की यहाँ फिक्स रहने वाली है। एज यहाँ पर 18 से 35 मांगी गई है। तो चलिए, कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने के लिए हम इसकी जो मेन जो वेबसाइट है, पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी कंटेंट राइटर की और ऑफिस असिस्टेंट की आई है, ठीक है। तो यहाँ टोटल पोस्ट जो है वो कंटेंट राइटर के 462 हैं और ऑफिस असिस्टेंट के 86 हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहे हैं, 19 जुलाई से स्टार्ट है। ऐसी वैकेंसी जिनका जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है, 28 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की। तो आप लोग समय से पहले जो है एप्लीकेशन कर दें यदि आप यहाँ इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो क्या मांगी गई है। दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए कंटेंट राइटर के जो है वो 462 यहाँ पर पोस्ट हैं। 18 से 35 साल तक के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th मांगी गई है, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी कंप्यूटर कोर्स का जो कि आपने किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया हो, किसी भी राज्य से। नेक्स्ट जो है वो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, 86 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन जो है यहाँ पर मांगी गई है एनी डिसिप्लिन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी आपने किया हो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। डिप्लोमा आपका कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हो। 18 से 35 साल तो जो है यहाँ पर एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी वाइज जैसे SC ST जो है वो उनको 5 ईयर्स की, OBC को 3 ईयर्स की, PWD को 10 साल की, इसके अलावा PWD और जो कि OBC में 13 साल की और SC ST में 15 साल की, ठीक है। इन सभी को जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो छूट मिल रही है। यहाँ पर नोट में EWS कैटेगरी के लिए लिखा है कि द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड इज एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी कैंडिडेट। पेमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फिक्स्ड सैलरी आपकी रहने वाली है 16,000 रुपये आप लोगों के कंटेंट राइटर के हैं, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 20,000 सैलरी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब है। यहाँ पर आप लोगों का एक एग्जाम होगा और एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 जो है वो आपके यहाँ पर काटे जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपका एग्जाम जो है वो नवंबर 2023 को कहा गया है कि आपका नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 28 अगस्त यहाँ कही गई है, ठीक है। तो और भी चीजें हम देख लेते हैं इस कंप्लीट नोटिफिकेशन में। यहाँ पर जो है आपका जो एग्जाम है उसका जो है सिलेबस भी दिया हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। आपका जो है वो GK का पार्ट, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश जो है यहाँ पर पूछी जाएगी। 200 मार्क्स आपके कुल क्वेश्चन पेपर होगा और CBT मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, और यहाँ पर जो 4th नंबर पर लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज इज 45% फॉर ऑल कैटेगरी, 45% मार्क्स जो है वो आपको यहाँ लाने जरूरी हैं। कैसे एप्लीकेशन करनी है, हाउ टू अप्लाई, तो आप लोगों को इस वेब पोर्टल है SSO राजस्थान का, इस पर आप लोगों को विजिट करना है, नहीं तो आप इस पर भी जा सकते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। फीस जो है यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट की 800 रुपीज रहेगी, SC ST PWD कैंडिडेट की 300 रुपीज यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेन साइट पर आपको जाना है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज की, राजपंचायत.rajasthan.gov.in। उसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पर स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन जो है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। और भी ऐसी ही वैकेंसीज जो कि स्टूडेंट को पता नहीं चलती हैं, तो वो सब भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आप लोगों को समय पर YouTube की तरफ से मिल सकें। थैंक यू।